हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा हो रहे आपकी प्रिपरेशंस? जो पिछली मैंने यूट्यूब्स पे अपनी वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी हैं, उम्मीद है आपने वो देखी होंगी, उनसे प्रैक्टिस करी होगी। अभी हम चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 3rd है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए चूज़ किया था क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में ही मुश्किल लगता है। ठीक है, तो हमने इसमें टॉपिक वाइज लिया था। फर्स्ट हमने नंबर सिस्टम किया, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड हमने बेटे जो है एज बेस्ड क्वेश्चन किया। नाउ हमारा जो थर्ड पार्ट है, आपके चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ट्राइंगल बेस्ड हैं, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। कुछ में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कुछ में सर्कल बेस्ड प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और इसके अलावा भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसी में ही मर्ज कर दिए हैं, जहाँ पर वर्क एंड टाइम यूज़ होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में देखेंगे। और एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि वो भी मार्क्स नंबर्स पे ही बेस्ड था। हमने कल नहीं डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हैं बेटा। ये हमारा स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 10th का पूरा सिलेबस 1 मंथ में कम्प्लीट करूँ। टॉपिक्स, देन सब टॉपिक्स, और अच्छे उसे कैटेगरी वाइज करके। जैसा आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल 17 है, एंड एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जगह सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, सेम कैटेगरीज के हैं, उन्हें कंपाइल करके आपको बता सकूँ। पूरा चैप्टर 4 हमने 9 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इट इज़ अवर थर्ड टॉपिक्स। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। वर्ड प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि हम सिर्फ वर्ड्स को सिंबल्स में अगर ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमारा सारा काम हो जाता है। जैसा हमारे पास क्या है बेटे, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटे, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। यस, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। आपसे क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। प्लीज़ ज़रा कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल। हम पहले हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स को रफली करने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो सपोज़ देयर इज़ अवर राइट ट्राइंगल, एंड इसको हम सपोज कर रहे हैं बेटा बेस, सो इट विल बी अवर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। यस, हमें मालूम है थर्ड साइड विल बी हाइपोटेनस। चलिए अब एज पर क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड मीन्स दिस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ठीक है, इज मीन्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है बेटे, है ना, किसी में से, किस में से, देन इट्स बेस, तो बेस में से कम है बेटे। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हम यहाँ सिंबल्स में, तो हम इसे अब कह सकते हैं इन ए राइट ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। गुड, इफ द हाइपोटेनस इज 13, ये बेटा हमारे पास 13, फाइंड द अदर टू साइड, दीज टू साइड्स आपको फाइंड करना। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। दोबारा से देख लीजिए, व्हाट इज़ द लैंग्वेज, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटे, एक्सरसाइज 4.2 में, है ना, इसमें चैप्टर 4। दोबारा से देख लीजिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस 13, फाइंड द टू साइड्स। क्लियर, तो मैंने आपसे कहा था बेटे, हम पहले जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे कि जो राइट साइड होता है उसे सपोज करिए, इन ए राइट ट्राइंगल ठीक है, लेट जी बेटे बेस इज, तो बेस को ही हम सपोज कर लेते हैं बेटे। क्या सपोज कर लिया हमने, x सेंटीमीटर, है ना। अगर हमने बेस को बेटे x सेंटीमीटर मान लिया तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेटे, सो एल्टीट्यूड विल बी, है ना बेटे, एक्स माइनस 7। यस, इट इज गिवन हाइपोटेनस, गिवन हाइपोटेनस, है ना, क्या गिवन है बेटे, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया ना। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको राइट ट्राइंगल में कुछ आता है, कोई रिलेशन याद हो? यस, वेरी गुड, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस क्या होता है बेटे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। समझदार बच्चे हैं आप लोग, आदत तो पता है, बस थोड़ा थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते इसलिए शायद कहीं फंस जाते हैं। तो अपना उस नॉलेज को यूज़ करते रह गए जी बेटे, यस बाय पाइथागोरस। यस,
क्या होगा बेटे? पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर जी, गुड, प्लस बेस स्क्वायर, ये आ गया बेटे। चलिए ओपन करिए बेटे, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी। अब आपके पास क्या होगा बेटे? एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, 2x² माइनस बेटे 14x, 169 इधर ले जाए बेटे, 49 माइनस 169 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 है ना बेटे। आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन लेंगे बेटे पूरी इक्वेशन से, सो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 बेटे। फैक्टर्स करिए 60 के, सो दैट माइनस 7 आना चाहिए है ना। तो क्या हम 60 को बेटे 12 5 जा 60 लिख सकते हैं? चलिए लिख दीजिए बेटे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 जी बेटे। क्या कॉमन है? x, सो व्हाट इज रिमेनिंग? x माइनस 12। व्हाट इज कॉमन बेटे? 5। क्या रिमेनिंग? x माइनस 12। क्या आएगा बेटे? x माइनस 12 आएगा बेटे। क्या रह गया बेटे? x प्लस 5। वेरी नाइस, तो इसको आप 0 लीजिए बेटे, x इज इक्वल्स टू 12। इसको 0 लीजिए बेटे, x इज इक्वल्स टू माइनस 5। बेटा x हमने किसको लिया था बेटा? x हमने लिया था साइड को। क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है बेटे तो इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये तो बेस क्या आ गया बेटे? सो बेस ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। अगर बेस बेटे 12 है तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस है ना बेटे। सो एल्टीट्यूड ठीक है बेटे, 12 माइनस 7 कितना बेटे? 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ये मेरे पास आ गया, तो आंसर ये है, सो 12 एंड 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड जी बेटे, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बेटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटे? फिर देखो हम क्या करेंगे, द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। इतने में ही रुक जाइए जो यहाँ दिया है ना बस, क्योंकि हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। हमसे कह रहा है बेटे रेक्टेंगुलर फील्ड, वेरी गुड। फेयर करने से पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या कीजिए। तो इसके डायगनल की बात कर रहा है बेटे, डायगनल है ना डी। तो क्या कह रहा है? डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, तो डायगनल ये हो गया डी इज 60 मीटर मोर, तो 60 प्लस हो गया बेटे, देन द शॉर्टर साइड। सपोज करो इसको हम कह रहे हैं बेटे शॉर्टर साइड, तो 60 प्लस शॉर्टर साइड, ये हमारे पास हो गया डायगनल। इफ द लॉन्गर साइड, ये बेटे लॉन्गर साइड है ठीक है, इज 30 मीटर मोर, इज लॉन्गर साइड इज मीन्स इज इक्वल्स टू 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन शॉर्टर साइड, ये हमारे पास बेटे। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, डायगनल शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड, आपको सब साइड चाहिए। ये क्वेश्चन है, प्लीज़ देखो मैं आपको इस फिगर से ये समझाऊंगा। देखो आप कोशिश करो है ना, जो हमने लैंग्वेज को सिंबल्स में ट्रांसफॉर्म किया है, चेक करो क्या हमने सही किया है क्या। क्या कहने इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यस, एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। दादा इतनी सी बात है, चलो अच्छा इतनी सी बात है तो आगे बढ़े। गुड, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो रहने दो, हाथ मत उठाओ, इतनी दूर से क्या पता चल रहा है ना, नहीं उठाए थे, चलो ये तो और अच्छी बात है, थैंक यू। आओ चलो देखो हम क्या करेंगे बेटे, इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, शाबाश, लैंग्वेज अच्छी क्या कीजिए ना, जिससे कि टीचर पे बहुत अच्छा सा इंप्रेशन आए जब वो कॉपी चेक करें। इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड लेट, हमेशा बेटे जो राइट साइड होता है उससे स्टार्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड भी एक्स मीटर, सो डायगनल। तो डायगनल आपसे क्या कहता है बेटे? 60 प्लस है ना, 60 प्लस एक्स मीटर। एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड क्या कह रहा है बेटे? लॉन्गर साइड कह रहा है बेटे 30 प्लस एक्स मीटर, ये हमसे कह रहा है, बस खत्म। अगेन बेटे जब रेक्टेंगल की बात कह रहा है तो ये तो राइट ट्राइंगल होगा, क्यों बेटे? जब इसकी बात करें ना, ये हमारे पास हो गया बेटे, शॉर्टर साइड को आपने लिया x है ना,
और इसको आपने लिया बेटे 60+x, और इसको आपने लिया बेटे 30+x, तो आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटे, डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्टर साइड स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड स्क्वायर, यस और नो, ये हम कह सकते हैं। चलो जी रखो, डायगनल साइड स्क्वायर क्या है, डायगनल बेटा आपका है 60+x का स्क्वायर, और बेटे शॉर्टर साइड क्या है बेटे, x का स्क्वायर, और लॉन्गर साइड क्या है बेटे, 30+x का स्क्वायर, इतनी सी बात है। चलो ओपन करो, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x, मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, है ना। चलो अगर आप चाहो तो बेटे जो कुछ कैंसिल हो सकता हो दोनों साइड, जब एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या रह गया बेटे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको बेटे इधर लाओ क्योंकि इसको हमने लिया, तो 60 माइनस 120 -60x, है ना बेटे। 3600 को भी इधर लाओ, तो 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा बेटे, 2700, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए बेटे, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2700 को ब्रेक करिए माइनस करके 60 आ रहा है, क्या कुछ आइडिया हो रहा है, 19 इंटू 30, है ना। तो अगर 19 टू 30 करेंगी तो प्रोडक्ट तो आएगा 2700, लेकिन अगर माइनस करेंगे बेटे तो आएगा 60, तो यही हमारे पास है। तो एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x, ठीक है, -2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो जी देखो यहाँ से क्या कॉमन है बेटे, एक्स क्या रह गया बेटे, क्या कॉमन है, 30 क्या रह गया बेटे, अगर आपका प्लस है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स माइनस 90, गुड बेटे, ये कॉमन आ गया एक्स माइनस 90, है ना। समझदार तो है माशाल्लाह, समझ जाते हैं बच्चा पार्टी, यस। तो एक्स को जीरो, इसको जीरो लेंगे बेटे तो एक्स इज इक्वल्स टू, और बेटे इसको जीरो लेंगे तो -30। प्रॉब्लम ये बेटे, एक्स जो है हमारा साइड है, लेंथ, और लेंथ नेगेटिव नहीं होता बेटे, लेंथ इज नॉट नेगेटिव, तो इसको क्या कर दीजिए बेटे, मना कर दीजिए, हम नहीं रखते इसको, है ना, ठीक है। अगर नहीं रखते तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड बेटे हमारे पास आ गई 90 मीटर, है ना बेटे। लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा बेटे, कितना 30 ज़्यादा, तो 90+30 120 मीटर, और बेटे डायगनल जो है वो 60 ज़्यादा है, कितना 90+60 कितना बेटे 150 मीटर, ये बेटा आंसर है, समझ में आ रहा है। चलिए आप दिल रखने के लिए सही आप कह तो रहे हो, जी समझ में आ रहा है, थैंक यू। आइए बेटे अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल 17, ये बेटे बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन एक बार, हाँ एग्जाम में, देखो ज़रा एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, इसकी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज है ना। आइए देखिए बेटे हमसे क्या कह रहा है, पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है, पोल आपने रख दिया बाउंड्री पे, बाउंड्री क्या है ऑफ ए सर्कुलर पार्क, यहीं से आप ले लीजिए, ठीक है, सर्कुलर पार्क की जो बाउंड्री दी हुई है, सपोज करो बेटे ये सर्कुलर पार्क है, यस ये बेटा आपका हो गया सर्कुलर पार्क, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड, यहाँ पे आपने एक पोल प्लेस कर दिया, ये क्लियर है जी। अगर आपने पोल प्लेस किया है सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 30 मीटर, जो हमें डायमीटर दिया हुआ है बेटे वो डायमीटर दिया है 13 मीटर, ठीक है, इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, पोल का, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है बेटे कि जो आपके गेट्स हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, क्या हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, तो सपोज करो ये अगर हमारा सेंटर है तो ये हम डायमीटर ले लें, सपोज करो तो डायमीटर के इसके एक साइड बेटे ये गेट ए है और एक साइड बेटे ये गेट बी है, ठीक है, और हमने जो पोल लगाया था वो यहाँ लगाया था, अब पोल का जो डिस्टेंस इस गेट से होगा वो ये होगा बेटे सपोज करो पी, और ये होगा बेटे सपोज करो बी, तो क्वेश्चन अब समझ में आया, क्या आया देख लीजिए,
हमने क्या किया, एक सर्कुलर बाउंड्री पे एक पोल रखा था, ऐसा पोल रखा था कि जो उसका डिस्टेंस का डिफरेंस है फ्रॉम द टू गेट्स, और गेट्स कैसे हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, उनका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? पॉसिबल है तो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, ये दोनों डिस्टेंस निकालने। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो रहा है, इन ए सर्कल, ठीक है, हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, इन ए सर्कल, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ए बी बेटे हमें दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 13 मीटर, ठीक है। अच्छा आपसे क्या कह रहा है बेटे, गिवन है हमारे पास पी बी माइनस पी ए, डिफरेंस कितना बेटे, आपसे कह रहा है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7। पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू 7, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। अब एक को सपोज कर लीजिए, सपोज करो हमने ए को ले लिया, लेट पी ए इज एक्स, ये तो हमारा कितना हो गया बेटे 13, पी ए को हमने बेटे एक्स ले लिया। अब आप खुद बताओ ये पी ए इधर चला जाएगा, सो पी बी इज इक्वल्स टू 7 + x आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी बेटा सर्कल वाली, सर्कल वाली क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल जो होगा बेटे 90 होगा, एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, अगर 9th में आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा। अगर ये 90 है तो अब आप राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ट्राइंगल वाली, कुछ प्रॉपर्टी सर्कल वाली लगेंगी। क्या हो जाएगा बेटे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे एक्स का स्क्वायर, इसको आपने कितना कहा है बेटे 7 + x, तो 7 + x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, है ना बेटा, ओपन करो। चलो तो ये हो जाएगा बेटे 169 इज इक्वल टू बेटे x² + 49 + x² + 14x, है ना। तो x² बेटे 2x² प्लस कितना बेटे 14x, इसको इधर लाइए, 49 - 169 दैट विल बी बेटे -120 इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लीजिए बेटे, x² + 7x - 60 इज इक्वल टू, तो 12 × 5 = 60, कितना 12 × 5 = 60, तो आपके पास आएंगे बेटे x² 60 के फैक्टर्स, 12 × 5 बिकॉज माइनस करके 7 आना है, तो 12x है ना -5x - 60 इज इक्वल टू, क्या कॉमन लेंगे बेटे x, तो क्या आएगा बेटे x + 12, माइनस कितना आएगा बेटा 5, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए x + 12 इज इक्वल टू, अब बेटे x + 12 इज कॉमन, तो क्या आएगा बेटे x - 5, वेरी गुड। इसको जीरो लेंगे बेटे -12, और इसको जीरो लेंगे बेटे x = 5। अगेन बेटे x हमने किसको लिया है, साइड को, डिस्टेंस को, क्या डिस्टेंस नेगेटिव है, नो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, छोड़ दीजिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी पॉसिबल नेगेटिव। तो हमारे पास आ गया x 5, तो अगर x 5 है तो इट मीन्स पी ए इज 5, पी ए इज 5, तो पी बी कितना हो जाएगा बेटे, पी बी हो जाएगा बेटे 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है 12, तो आपके पास क्या आ गया बेटे, तो डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस ऑफ पोल, ठीक है बेटे, फ्रॉम टू गेट्स, ठीक है, आर 5 एंड 12, ये आंसर है ना, वेरी गुड। कुछ समझ में आ रहा है आपके पास, हमसे कह रहा था एक बाउंड्री है उस पर एक पोल है, उस पोल का गेट से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 है ना, उनका डिफरेंस कितना है 7, ये हमसे कह रहा था। तो हमने क्या लिया, इसको लिया, इसको लिया, ये बाउंड्री हमने अपोजिट गेट लिए थे, है ना, डायमेट्रिकली, तो इसको एक्स लिया, तो ये 7 + x, ये 13, पाइथागोरस लगाया, सॉल्व कर दिया, गुड, वेरी गुड। तो ये हमारे पास बेटे क्वेश्चंस थे कुछ जो ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कुलर बेस थे, इनमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी इन फिगर्स की यूज़ हुई है। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सेव करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगा, फ्रेशली आप इनको देख सकते हैं, बिकॉज मैं इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ।